हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक गैलेक्सी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास माइक्रोटेक का इन्वर्टर है, जो कि ये साइन वेव है। देख सकते हैं, ये माइक्रोटेक का साइन वेव इन्वर्टर है, जो कि इसमें प्रॉब्लम था, ओवरलोड का प्रॉब्लम आ रहा था। चलिए फ्रेंड, इसे हम ओवरलोड कैसे ठीक करते हैं? तो चलिए फ्रेंड, आप इजिली आप इसे ठीक कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास साइन वेव का किट है, जो देख सकते हैं, इसका सारा मॉस्फेट उड़ चुका था। इसमें मैंने इसमें नया मॉस्फेट डालने के बाद फिर भी इसमें ओवरलोड का प्रॉब्लम आ रहा था, जो इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था, ये ओवरलोड का फिर मॉस्फेट बदलने के बाद भी प्रॉब्लम आ रहा। अगर आपका भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो आप इसे किस तरह आप इसे रिपेयर कर सकते हो? चलिए फ्रेंड, इसके रिपेयर करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक ड्राइवर आईसी रहता है, जो कि वो अगर मॉस्फेट उड़ जाने के बाद वो साइन वेव में आपका खराब हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये LM358 आईसी है, जो कि अगर आपका ड्राइवर आईसी खराब होगा, तो ये दूसरा आईसी है, जो कि ये LM358, जो कि ये चार्जिंग आईसी है। ये फ्रेंड मेरा ड्राइवर आईसी, अगर आपका ओवरलोड का फिर भी प्रॉब्लम आता है, अगर मॉस्फेट लगाने के बाद, ये ड्राइवर आईसी है, जो कि ये 8320-2 है फ्रेंड, इसका ये 8320-2 है। अगर इसे बदलने के बाद आपका ये ओवरलोड प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।